धार जिले के धर्मपुरी में प्रधानमंत्री आवास योजना अब परेशानियों का सबब बन गई है। योजना के तहत अब तक 4 DPR में 2697 आवास स्वीकृत हुए। अब हालात ये है कि कुछ परिवारों ने 2 किस्त मिलने पर बाजार से कर्ज लेकर आवास पूर्ण कर लिए, लेकिन अंतिम किस्त 50,000 रुपए का भुगतान नहीं होने से हितग्राही कर्ज में डूब गए हैं। कर्जदार घरों के चक्कर काट रहे हैं, जिसके चलते हितग्राही परेशान हैं। धर्मपुरी नगर में इन दिनों वार्ड नंबर 3 के नासिर खान चर्चा में हैं। चर्चा में इसलिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना की द्वितीय DPR में नासिर का नाम था। उसे 2 किस्त के रूप में 2,00,000 रुपए की राशि तो प्राप्त हो चुकी है, लेकिन अंतिम किस्त के रूप में मिलने वाली 50,000 की राशि नहीं मिली। इसके बाद नासिर ने अपनी टी शर्ट पर 50,000 की अंतिम किस्त नहीं मिली लिखकर बाजार में घूमने से चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद काम पूरा कर लेने वाले हितग्राही भी नासिर के समर्थन में आ गए। भारतीय न्यूज के लिए धर्मपुरी से सैयद जफर अली की रिपोर्ट। सर, मैंने 2018 में मेरी आवाज डाली थी, तो उससे मैंने जो है मकान बनाया, कर्जा ले लिया, कर्जादार उन फांसी लगा रहे हैं और अभी तक 50,000 का कोई ठिकाने ही नहीं है। दो तीन साल हो गए लगभग, मतलब मेरे 50,000 को आखिरी किस्त नहीं डली है और कर्जे पे मैंने सामान ले लिया, कर्जेदार उन फांसी लगा रहे हैं, नहीं तो मैं आपको बिल बता दूँ। सर, हमारे पैसों को 2 साल हो गए मकान बनाए को, जिसका पैसा अभी तक नहीं डला। नगर पालिका के पास जाते हैं, उन्होंने हमारे 2,00,000 रुपये आज से 2 साल पहले डाले थे और उन्होंने ये कहा था कि मकान बना लो, कंप्लीट कर लो, हम ये 2,00,000 रुपए दे रहे हैं। अब हमारे पास पैसा नहीं, जब तुम्हारा मकान कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपके जो 50,000 रुपए बाकी किस्त है रुकी हुई वो हम डालेंगे। जिसका 2 साल होगा अभी तक के कोई पैसा नहीं आया, नगर पालिका में जाते हैं हमको भगा देते हैं, कोई सुनवाई नहीं हमारी। अच्छा, फिर दूसरे राउंड में ये हुआ, काफ़ी टाइम तक हम इनके पास जाते रहे और इन्होंने हमको बोला भी कि ये लिखवा लो प्रधानमंत्री आवास योजना तुम्हारे मकान के ऊपर, हम तुम्हारा 4 रोज में पैसा डाल देंगे लिखाने के बाद में। जिसके लिखवाए को भी 5 से 6 महीने हो गए और इनसे कोई गवर्नमेंट से मतलब नगर पालिका से कोई बात छुपी नहीं है। ये कहते हैं कि हमसे छुप के लिखवाया, हमको मालूम नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। खुला इन्होंने ID बना के दी इनकी नगर पालिका से कि ये ID लिखवा लो और हम नेट पे डाल लेते हैं, तुम्हारा पैसा 4 रोज में तुम्हारे घर आ जाएगा, किसी के पास जाने की तक जरूरत नहीं है। अब ये कहते हैं कि हम तुमने लिखवाया क्यों, हम नहीं डालेंगे, तुम्हारा पैसा नहीं आएगा। साहब, हम गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं, लोगों का कर्जा देना हमारे को, 2-2 साल से परेशान हो रहे हैं। 181 को 2 साल हो गए, कमलनाथ बैठे हुए थे, अब से मेरी 181 चल रही है सर, कभी तक कोई सुनवाई नहीं है मतलब कहने का। देखिए, नगर परिषद धर्मपुरी द्वारा 5 DPR तैयार की गई। सबसे पहली DPR 505 की, दूसरी 847 की, तीसरी 350 की और चौथी 995 की। 505 की DPR में तृतीय किस्त प्राप्त हो चुकी है, हितग्राही की प्रोग्रेस अनुसार हम उसकी तृतीय किस्त डालते जा रहे हैं। 847 में सेकंड किस्त प्राप्त हुई है, वो एक साथ सभी हितग्राहियों को हमने डाल दी है और 995 में प्रथम किस्त प्राप्त हुई है, वो भी एक ही मुख्यमंत्री द्वारा एक ही क्लिप में एक साथ 862 हितग्राहियों को डाल दी गई है। रही बात तीसरी किस्त शासन से अभी प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही शासन से प्राप्त होगी हम तृतीय किस्त जारी कर देंगे प्रोग्रेस अनुसार। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।